जमाना था एक दरख्त को लोग पूजने लगे तो वहां एक सूफी था इबादत गुजार था जिंदादार था उसे पता चला कि लोग दरख्त को पूज रहे हैं तो उसके दिल में बड़ी गैरत जागी तो की गैरत होती है वो जागी और वो खड़ा हुआ उस दरख्त को काट दूंगा जिसको लोग अल्लाह का शरीक समझ रहे हैं और पूज रहे हैं हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा और उस दरख्त को काटने के लिए निकला रास्ते के अंदर शैतान खड़ा था उसने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगा और शैतान ने रास्ता रोका उसने पटक के शैतान को ज़मीन पे मारा और उसकी छाती पे बैठ गया शैतान बहुत मक्कार है और वो हर एक को एक तरीके से नहीं लूटता उसके बड़े मक़रो व फरीबल जजलो तलबीस आते हैं उसने दूसरा तरीका इख्तियार किया उसने कहा जनाब आप इबादत गुजार हैं तहजुद गुजार हैं शब जिंदा हैं आप दरख्त को काटेंगे लोग आपके मुखालफ हो जाएंगे फिर आपको उनके मुकाबल खड़ा होना पड़ेगा और सवेरे शाम लड़ाई ही लड़ाई आपकी इबादतों के वक्त में खलल आएगा तो आपने इनकी कबर में थोड़ा जाना है आपकी कबर अपनी है इनकी कबर अपनी है आप छोड़िए इनको और साथ ही कहा कि जब आप मुसल्ला उठाया करेंगे तो नीचे से एक दिरहम मिल जाया करेगा आपको तो आप उससे अपने खाने पीने का इंतजाम कर लिया करेंगे और आप फार बाल भी हो जाएंगे इस तरह बातों में लगाया और वो जाहत साहब वापस आ गए नमाज पढ़ी मुसल्ला उठाया दिदम मिला बड़े खुश हुए और दलीलें तराशने लगे वाकई मुझे क्या लगी तुम्हें गैर से क्या तुम अपनी नबेड़ो तुम अपनी कब्र में जाना है जाए वो भाड़ में मुझे क्या लगे मुझे उनके बारे में क्या पूछा जाना है नमाजें पढ़ता है हर नमाज के बाद मुसल्ला उठाता है तो एक धरम मिलता है काफ़ी दिन गुजर गया दिल भी आहिस्ता आस्ता मुर्दा हो गया एक दिन मुसल्ह उठाया तो कोई धरम नहीं निकला फिर दोबारा कल्हाड़ा उठाया उठा रस्ते में फिर शैतान खड़ा था किधर जा रहे हो कि दरख्त को काटने जा रहा हूं शैतान ने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगा उसको तजुबा था पटक के जमीन पर मारा था ताकतवर तो है ही नहीं उसने फिर गिरेबान से पकड़ लिया शैतान ने पटक के जमीन पर मारा और छाती पर बैठ गया वो जाहिर साहब परेशान हो गए शैतान को कहने लगे कि यह कैसे हुआ मेरा तो तजुबा माजी का यह था कि मैं ताकतवर हूं तुम कमजोर हो लेकिन अब तुमने पटक के मुझे जमीन पे मारा तो कहा साहेब उस दिन तुम अल्लाह की रिज़ा के लिए जा रहे थे आज तुम दिलहम के लिए जा रहे हो तो जब अमल में खुलूस नहीं रहता तो फिर अमल अमल नहीं रहता अमल में कुत नहीं रहती फिर सजदे बेरू हो जाते हैं नमाजें बेजोक हो जाती हैं सफे कज दिल परेशान सजदे बेजौक के वो जज्बे अंदरू बाकी नहीं नमाज रोजा हज जक़ात सब कुछ है बाकी मगर तू बाकी नहीं फिर सब कुछ चलता रहता है लेकिन रस्म होती है ला यब का मिनल इस्लाम इलास्म हो वाह मिनल कुरान फिर कुरान पढ़ा जाता है रस्म होता है कुरान दिल को फिर नहीं बदलता इसलिए रस्म अदा हो रही तो होती है जब रस्म अदा हो रही हो तो फिर कुरान दिल को नहीं बदलता जब कुरान कुरान के तौर पर पढ़ा जा रहा हो फिर यह दिलों में रंग उतारता है और मार्फत का नूर देता है और दिलों के जंग उतारता है